बिग इशू एंड इशू इज कैन अ स्टूडेंट फ्रॉम अ न्यू प्राइवेट कॉलेज हु इज डूइंगीजीबीएस फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ द कॉलेज कैन दैट स्टूडेंट डू वेल विद गाइडेंस क्या एक बच्चा जो एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा है अभी पहला बैच है क्या वो गाइडेंस के साथ अच्छा कर सकता है और ये क्वेश्चन ना मैंने मेरी जिंदगी में मेरे दोस्तों के बहुत सारे बच्चों ने पूछा है एंड लॉट ऑफ स्टूडेंटर स्टडिंग इन प्राइवेट कॉलेज सो वेल इन पी एम टी एग्जाम दे लूज कॉन्फिडेंस एंड टूडे आई हैव विद मी समी हुन एग्जैक्टली वट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट आज मेरे साथ हैं डॉक्टर गुलशन शर्मा उनका नीट पी जी रैंक है हंड्रेड एंड सिक्सटीन और टू फिफ्टी रैंक है इस बार के आई एन आई सी टी में और गुलशन मैं पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करूंगा आपकी ऑसम awesome रैंक के लिए मजा आ गया मैं ये बताना चाहता हूं कि गुलशन एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा है और वहां का पहला बैच लेकिन उसने फेथ रखा डैम्स पे फेथ रखा टीचर्स पे लगा रहा आज वो टॉप हंड्रेड रैंक लाने के बाद अब अपना रेडियोलॉजी के बारे में सोच रहे है ना तो क्या आप उसकी बात सुनना चाहोगे क्या उसकी कहानी सुनना चाहोगे मुझे लगता है सुनना चाहोगे उस कहानी में दम है तो मैं लास्ट डॉक्टर गुलशन टू स्पीक टू यू कैंडिडली एंड आपको वो अपनी कहानी बताए और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों के अंदर एक बैटरी चार्ज होगी कि यार हम भी कर सकते हैं कर सकते हैं ना गुलशन तो so, uh, so, मेरा नाम गुलशन शर्मा है और मैंने ए आई आर वन वन सिक्स सिक्योर किए नीट पी जी में और टू फाइव वन सिक्योर किया है आई एन आई सी टी में तो so, मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करता हूँ आदेश मेडिकल कॉलेज और हमारा फर्स्ट बेस्ट था तो हमें कोई गाइड करने को नहीं था कि हमारी आगे की जर्नी कैसी होगी नीट पी की जर्नी कैसी होगी तो तो हम सबसे पहले सुमेर शेट्टी का मैंने इंटरव्यू देखा उन्होंने हर हर, हर एक चीज़ ढंग से बताई कि हमें कैसे कैसे फॉलो करनी चाहिए मतलब कैसे इंस्टीट्यूट को हमने ज्वाइन करना है और कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं कैसे टेस्ट देने हैं तो हम तो मैंने फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया ज्वाइन कर लिया था हमारे हमारे कॉलेज में ही आए थे सर तो अब वहां पे सिर्फ हम गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने ये डैम्स को फॉलो किया था क्योंकि मैंने तो फेथ बना लिया था सर पे ही क्योंकि हमने मुझे यही यही कोर्स फॉलो करना है क्योंकि जैसे जैसे सर ने बताया था कि हम लाइव क्लासेस लेंगे हम आपको डिसिप्लिन रखेंगे नोट्स बनवाएंगे टेस्ट होेंगे रिपीटेडली आपकी इवेलुएशन होगी तो मैंने तो मन बना लिया था हमारी हमारे बैच में बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन कोर्सेज को फॉलो किया था तो मैंने मन बना लिया था कि अब यही फॉलो करना है मेरे को तो मेरे को भी चैलेंजेस आए थे कि सब सब बोलते थे कि तू प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता है तूने क्या ही उखाड़ा ज़िंदगी में तो आगे क्या ही करेगा तो पर वहाँ पे वहाँ पे हमारा हेल्प करते हैं हमारे टीचर्स जो कि हमें टाइम टू टाइम यूट्यूब यूट्यूब सेशन लेते लेते थे और हमें, हमारे हमारे डाउट सोल्व करते थे और हमें बताते थे कि, कि ये सब हर हर एक लाइफ में ऐसे से, ऐसे ऐसे आते ही हैं कि आपको बताएंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा पर आपको आप, आपको फेथ रखना है अपने ड्रीम पे तो और फिर आ, फिर बात आती है कि फॉर्म होगी फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारे टाइम पे फॉर्म होता था कि इतना सारा रिसोर्स है हमारे कोचिंग कोच, प्रिपरेशन टाइम पे कोचिंग टाइम पे कि लोग क्या क्या पढ़ रहे होते थे पर आपको एक ही एक ही टीचर पे फॉलो करना है एक ही टीचर पे फेथ रखना है मैंने मेरे फेवरेट टीचर्स थे डॉक्टर दीप्ति मैम सुमीर सेट्टी सर तो मैंने तो उन उनपे ही फेक रखा और क्वेश्चन सोल्व होने लग गए थे तो हमें तो सबसे पहले नोट्स बनाए फिर प्रीवियस तो सो, किए और फिर फिर ग्रैंड ग्रैंड टेस्ट सो, सोल टेस्ट किए आप तो आपको दे, दे, देते रहना है मैं म, मेरी मेरी कुछ गलतियां भी थी जैसे कि मैं भी मैं भी कभी कभी डर जाता था कि यार स्कोर नहीं हो रहा इंप्रूव नहीं हो रहा तो वहां पे आपको थ्री स्टेप स्ट्रेटजी फॉलो करनी है दीप्ति मैम की उन्होंने दीप्ति मैम ने सब कुछ ढंग से बताया तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपको कोई मैटर नहीं करता कि आपको आगे क्या करना है आपको एक एक मन बना लेना है एक टीचर को फॉलो करना है फिर आगे फिर आगे जो वो कहते हैं वो ऐसे वो स्टेप तो स्टेप टू करते रहना है हमारे पैथोलॉजी के सर पैथोलॉजी के सर थे डॉक्टर रंजीत सर उन्होंने बताया था कि जो हमारी वो जो हमारी डैम्स है वो एक मछली की तरह है उसको एक बड़ी मछली है उस पर एक छोटी छोटी मछलियों की तरह उसको फॉलो कर लो जैसे जैसे वो जाएगी सबसे पहले अपने नेम्स के नोट्स बनेंगे फिर ग्रैंड टेस्ट होएंगे फिर फिर टेस्ट सीरीज फिर एंड एंड तक सी ऑर्गेनाइज करते हैं वो मैंने भी अपनी सी दी थी मतलब पहले वो तीन महीने पहले ही अपने सी बी टी डेटा जाती हैं वो सी दो सी देंगे तो हम पहले से प्रिपेयर करके आएंगे पूरे सब्जेक्ट को कि हमने हमे, हमें हमें हमारी कैसी प्रिपरेशन है फिर उसके बाद हमें एक महीने का टाइम मिल जाता है मेन एग्जाम से पहले सी की मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का फिर फिर लास्ट फिफ्टीन डेज़ के लिए डी सेशन होता ही है डेम्स डिप्टी सेशन ने सबसे ज्यादा हेल्प की और अगर अगर आप सबसे ज्यादा हेल्पफुल माने कि मतलब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या मतलब हेल्प कौन करता है स्टूडेंट्स को तो वो वो करते हैं उनके जो, नोट्स जो मतलब नोट्स बहुत कंसाइज होते हैं मतलब उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं अगर हम हैंड रिटन नोट्स हम हम खुद 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 लिख रहे हैं तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं हमारी गलतियाँ क्या थी और भाई बात ये बात यहाँ आती है कि प्राइवेट कॉलेज वाला सीन कि प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हाँ हम कर सकते हैं मैंने भी किया है मेरे से पहले एक डॉक्टर संजीत सर थे उन्होंने नीम हेंड्स क्रैक किया था और और उन्होंने ए आई आर फाइव ए आई ए आई आर फाइव लेके आए थे आई एन आई सी टी में तो मैंने उनको मैंने इंटरव्यू देखता था मैं सबसे पहले तो मैंने उनको देखा था डॉक्टर संजीव शिवाम को शिवा कुमार सर को उन्होंने उन, उनका इंटरव्यू यूट्यूब सेशन पे देखा था कि उन्होंने कैसे क्रैक किया एग्जाम वो भी डैम सोनियन थे तो मैंने सोचा कि अगर वो बंदे कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से होके हुए, होते हुए तो ये ये तो कोई टैग हुआ नहीं कि प्राइवेट कॉलेज का कोई टैग हुआ ऐसा कुछ नहीं है और ये और जैसे जैसे आप आ, आप, टेस्ट में अच्छा अच्छी रैंक सिक्योर करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये कोई प्राइवेट कॉलेज टैग वगैरह तो प्राइवेट का कोई कोई कॉलेज मतलब नहीं बनता दूसरा मतलब होता है गिव अप करने का कि जब एंड पे एग्जाम के टाइम हम गिव अप कर देते हैं कि एग्जाम तक आते आते हमारे हम गिव अप हो जाते हैं कि वो थक थक जाते हैं बहुत ज्यादा वो आज ज्यादा बहुत ज्यादा ठोस आते हैं कि, कि आज तक कुछ हुआ नहीं तो सुमित शेट्टी सर ने इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है कि ये फटीक हो जाती है और अपने आप हम ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते हम उसके बारे में सोचते नहीं तो आपको ये सोचना है कि हमने शुरू क्यों किया था हम हम हमारी जब हमने ये जर्नी शुरू की थी तो हमने कैसे शुरू की थी तो हमारे एम क्या थे तो हमें हम अपने आप देखते रहे अपने पेरेंट्स को देखते रहे कि हाँ हमें उनके लिए कुछ करना है मेरे लिए कॉन्सटेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे मेरे मेरा बड़ा भाई डॉक्टर संजीव वो पी कर रहे हैं उन्होंने उन्होंने मेरी ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कोर्सेज के पेमेंट -पे की उन्होंने ही उन्होंने मेरे को रिसोर्स प्रोवाइड किए कि पढ़ना पढ़ना कैसे है और मेरे मेरे माँ बाप माय मोमेंट माय माय डैड दे फुलफिल माय ऑल नीड्स टू प्रोग्रेस इन दिस जर्नी मैं उनके साथ शेयर करता था अपने ग्रैंड टेस्ट के स्कोर्स वगैरह मैं बताता था, था मेरी ये रैंक आई मम्मी ये रैंक आई तो वो बताते थे, थे कि हाँ भाई ये लड़का कर सकता है उनको भी नहीं कभी लगा कि ये प्राइवेट कॉलेज से है और ये आगे वो तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही ऐसे ही मेरे को वो कैरी ऑन रखा कि तू कर सकता है और हमको हमेशा यही चाहिए कि एक अच्छे टीचर्स अच्छे पेरेंट्स और अच्छा फ्रेंड सपोर्ट मेरा फ्रेंड सपोर्ट भी अच्छा था हालांकि हमारे कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे प्रिपेयर नहीं कर रहे थे पर उनको मेरे मेरे ऊपर भरोसा था कि भाई ये ये बच्चा कर लेगा क्योंकि मैंने मैं मैं शुरू से ही टाइम्स को फॉलो करा था थर्ड ईयर से ही और मैंने मैंने हर चीज़ हर चीज़ में अपना टाइम निकाला है पढ़ाई के लिए उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज का कोई कोई कोई, कोई, कोई टैग नहीं है कि हम प्राइवेट कॉलेज से मैटर करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप भी कर सकते हो मैंने किया है सुमित सिटी सर को फॉलो किया है आप भी एक आ, आप भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो आप अगर फॉलो करें कोई मैटर नहीं करता आपने यूजी कहाँ से की है आप यूजी में फेल हुए हो सप्लीमेंट्री लगी है क्योंकि आपके पास एक मौका होता है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो और आप इसमें पॉजिटिव 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 एनर्जी से आप इसको फॉलो अप करिए और आप, आप कुछ भी कर सकते हो